हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बना रही हूँ प्लम केक। उसके लिए मैं यहाँ पे इस पतीले को प्री हीट कर रही हूँ। जब तक पतीला प्री हीट हो रहा है ना, मैं यहाँ इस मिक्सिंग बोल में ये मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर सीव कर लेती हूँ। ये मैदा मैंने 1 कप लिया हुआ है और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों 1/2 टीस्पून है। बस ये मैंने सीव कर लिया है। अब ये बड़ा मिक्सिंग बोल लूंगी, इसमें मैं डालूंगी ये बटर। ये 100 ग्राम बटर मैंने लिया हुआ है। इसमें मैं डालूंगी ये 200 ml कंडेंस मिल्क है। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। इन सभी चीजों को मैंने 1 मिनट तक बीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा ये मैदा डालकर इसे मिक्स करूंगी और साथ ही साथ ये मैंने एक स्पाइस मिक्स बनाया है, इसे भी डालूंगी। इसमें मैंने लिया हुआ है 1 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा था, लगभग 1 इंच होगा, और जायफल लिया हुआ है 2 चुटकी, जायफल का पाउडर लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी ये रम, जिसमें कि मैंने 2 दिन पहले ड्राई फ्रूट्स सोक करा हुआ था। ये 1/4 कप है और इसमें डालूंगी ये 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। वापस से मिक्स करेंगे। इसमें ना मैंने थोड़ा सा ये कैरमल रेडी किया था, उसे भी ऐड करती हूं और हल्के हाथों से 2-3 बार मिक्स करूंगी। और इसमें मैं ऐड करूंगी ये ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने रम में सोक करा हुआ था, इसे मैं 1/2 डाल देती हूं। और इसे अब डालूंगी इसमें ना मैंने थोड़ा सा ये कैरमल रेडी किया था, उसे भी ऐड करती हूं और हल्के हाथों से 2-3 बार मिक्स करूंगी। और इसमें मैं ऐड करूंगी ये ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने रम में सोक करा हुआ था, इसे मैं 1/2 डाल देती हूं। और इसे अब डालूंगी इस ग्रीस्ड बेकिंग पिन में। अब मैं इस बेकिंग पिन में ये जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स है ना, उसे ऊपर से डाल देती हूं। और अब इसे इस प्री हीटेड पतीले में डालकर बेक होने दूंगी। इसे हम 35 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखा है मैंने। अभी 35 मिनट्स हो चुके हैं, मैं केक चेक कर लेती हूं। ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। मैं गैस बंद करके इसे निकाल लेती हूं। केक ठंडा हो चुका है, इसे मैं डीमोल्ड कर लेती हूं। अब इसे मैं कट कर लेती हूं। काफी सॉफ्ट और फ्लफी बना है ये केक।
एंड आई होप आपको मेरे इस रम केक की सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार मेरी तरह से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।